माँ। हाँ माँ। कहाँ चला गया तू? मैं तेरे लिए सूट लेकर आई हूँ और तू दिख ही नहीं रहा है। कहीं शादी का नाम सुनकर फिर से भाग तो नहीं गया ना? माँ मैंने कहा ना मुझे वक्त दीजिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ, क्यों बुला रही है? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए सौतन ढूंढी है। मैं सोच रहा हूं मैं हाँ कह दूं, तुम तो किस करती नहीं हो, कम से कम वो मुझे किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता। भाई रोशनक, नूर, देखिए भाई हम आपके लिए क्या लाए। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अरे वाह अब्बू, इतने सारे तोहफे, सारे हमारे लिए। पकड़िए पकड़िए, आपके लिए है भाई। कमाल है, वैसे बड़े दिलदार हो रहे हैं आप, हुआ क्या है? मतलब दिलदार हम पहले नहीं थे। आपकी अम्मी भी ना, बस आपसे यही सुनना बाकी था। वैसे ये सब किस खुशी में? भाई हमारे एक दोस्त ने हमें दिवाली पार्टी का इनविटेशन दिया है, तो भाई हमने सोचा कि जब मुंबई में रहना ही है तो मुंबईया स्टाइल में क्यों नहीं, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के फैशन के साथ क्यों नहीं। तो ये कपड़े बिल्कुल मुंबईया स्टाइल में नहीं। अच्छा, तो भाई शाम को चलते हैं, मजे करते, नए नए दोस्त बनाएंगे, नए नए बिजनेस डील्स होंगे, ठीक है? वैसे ये सब ऐसे ही किया या कोई और बात है? अब फिर से ना शुरू हो जाएं आप रोशनक। अरे अरे, हम तो बस इतना कह रहे हैं वसीम कि आपको याद है ईद हो या दिवाली हो, जोया किस तरह से नए नए कपड़े खरीदवाती थी आपसे, कैसे धूम मचाते थे हर त्योहार में, और आप तो उसके साथ बच्चे बन जाते थे, याद है? मैं तो नहीं, लेकिन लगता है आपको सोया की कमी बहुत खल रही। अगर आपको पार्टी में नहीं जाना है, ये कपड़े नहीं पहनने हैं, तो आग लगा दीजिए इनमें। और मनाइए जोया के नाम का मातम, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब्बू, फर्क तो आपको पड़ता है वसीम, आप चाहे लाख बहाने बना लीजिए, ये तो हम भी जानते हैं कि ये सब आपने सोया की याद में किया है। और अगर सोया की याद आपको आ रही है, इसका मतलब ये कि उम्मीद अभी भी बाकी है। जया मैम, कॉफी। शुक्रिया विक्टर। विक्टर। यस मैम। सर के जो कपड़े आने वाले थे ड्राई क्लीनिंग से, वो आ गए? हाँ मैम, कमरे में रख दिया है। और आदि कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ, अपने लिए कपड़े लेने गया था, संजना से मिलना है ना। तू संजना से मिलने के लिए तू नया ड्रेस खरीद के लाया? हाँ, आई होप उसे पसंद आए। I'm sure उसे अच्छी लगेगी, कपड़े भी और तू भी। अब बस जल्दी से जल्दी वो हमारे घर की बहू बनकर आ जाए। ऐसे क्या देख रही हो? देखो जय, तुम्हें जितना नुकसान करना था, जो भी करना था, तुमने कर लिया। अब प्लीज जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ, ताकि मेरा बेटा शांति से रह सके।
अंजना प्लीज, कभी तो तुम भी शांति रहने दिया करोगे। हर वक्त कुछ ना कुछ लेके शुरू हो जाती। तुम आओ मेरे साथ, चलो। संजना कौन है? लड़की। और ये लड़की कौन है? वो लड़की जो मुझे किस देगी जब मांगूंगा तब। ब्रेसलेट जो है ना, हमेशा अपने सीने से लगा के रखना। ऐसा समझो कि ये मैं हूं, तुम्हारा, तुम्हारे करीब। ऐसे समझो जैसे ये सोने की हथकड़ी है। और ये ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है। I'm glad you like it. Thank you. Thank you. दिवाली जैसे खुशी के मौके पे तुम्हारी मुस्कुराहट कहां चली गई? मुस्कुराहट नहीं अर्जुन, बस थोड़ा सा उदास हो गए थे ये सोच के कि ना जाने हम कब तक साथ हैं, कब तक साथ दिवाली मनाते रहेंगे, कुछ पता ही नहीं है आगे का। जब तक सांसें हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वादा? वादा करता हूं तुमसे कि आज से हर दिवाली मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। आई प्रॉमिस। मैं सोचता था हम साथ आ जाएंगे नूर, लेकिन तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए। सॉरी, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया हर दिवाली तुम्हारे साथ रहने का। सोया कहाँ है? ये अच्छा मौका है इसे जलाने का। मिलेगी नहीं तो जलाऊंगा कैसे? मैं मिल जाए फिर बताता हूं। बेपनासी मोहब्बत की है।
जिंदगी है तेरे बिना मेरा लागे ना जिया तेरे लिए ही धड़के जिया किसका कत्ल करने का इरादा है? हमने सोचा कि नानी की थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं इंटरनेट पे। तो फिर चले आदि आदि हाँ या बेटा ऐसे बात नहीं करते आदि कभी तू गायब कभी तेरा दिमाग गायब चल चल ओह मैन सब यहां है जोया अकेली है घर पे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा क्या करूं आदि अरे क्या हुआ क्या हुआ सर क्या हुआ तू ठीक है ना तू ठीक है ना बेटा Thank God. लेकिन ये कपड़े My God, ये तो पूरे गंदे हो गए Oh God. चल ठीक है तो एक काम कर फटाफट घर जा और कपड़े बदल के जल्दी आना जल्दी आना
चल जल्दी घर के बाहर आ, तेरा काम आसान करने आई हूँ। मैम मैं अभी नहीं आ सकता। वो आपकी दुश्मन है ना अंजना, उन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया है। अभी हम सब पार्टी वेन्यू में हैं और बहुत गुस्से में हैं। व्रत खोलते वक्त भी बहुत धमकी दे रही थी। मैं रखता हूँ वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ओए तनख्वाह के गुलाम, फोन रखना नहीं, पहले मुझे ये बता तेरे साथ वहाँ पर कौन कौन है। मैम आपकी जोया को छोड़ के सब है यहाँ पे। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ इस काम के लिए तो मुझे विक्टर की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैं खुद कर सकती हूँ। हेलो मिस्टर हुडा। हेलो। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हेलो बेटा कैसे हो? ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन आदि नहीं आया? बस आता ही होगा। ओके संजना भी इंतजार कर रही है। आई नो इवन आदि इज वेरी एक्साइटेड। आई एम डाइंग अंजना कि हम कब फ्रेंड से रिश्तेदार बन जाएंगे। आई नो होपफुली वेरी सून। कम अंजना, मैं आपको बाकी के मेहमानों से मिलाती हूँ। या या मिस्टर सिद्दीकी, ये है हमारे नए एसोसिएट। इनका कारपेट और हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। मिस्टर सिद्दीकी, मिस्टर एंड मिसेस हुडा। यू कैरी ऑन विद द कॉन्वर्सेशन, मैं अभी आती हूँ। अगर पता होता कि आप लोग भी इस पार्टी में आ रहे हैं तो हम ये पार्टी ही स्किप कर देते। अगर हमें पता होता कि ये लोग आपके दोस्त हैं, इनसे दोस्ती ही ना करते। अगर हम आ ही गए हैं तो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ तमीज से पेश आए। तमीज बड़ा साहब, बेहतर यह होगा कि अपनी बीवी को कहें कि वो किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाकर तमीज सीख लें। सवाल सवाल की बात कीजिए मिस्टर सिद्दीकी। आपसे बात ही कौन करना चाह रहा है? वसीम ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कोई तरीका हुआ बात करने का? अरे वो हमारे समधी हैं। आपके होंगे, हमारे नहीं है। हमारी बस एक ही बेटी है नूर सिद्दीकी, ढूंढिए उन्हें। सॉरी नूर, तू मुंबई में कब से है? कोई बॉयफ्रेंड बना या नहीं तेरा? बॉय अभी तक तो नहीं है,
But yes, I'm waiting for someone special. तो समझिए आपका वेट खत्म हो गया. हेलो, आई एम विक्की. जिसके लिए हम इतना सजे वो ही किसी और को देखने चलेगा. दरवाजा कैसे खुला है? Updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.